विधानसभा कैसे आप सब लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए फर्स्ट क्राई हॉल। मैंने विधान के लिए लास्ट 2 या 3 वीक्स में जितनी भी शॉपिंग करी है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सारी चीज़ें। तब सबके जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। रेट थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि सेल वगैरह चलती रहती है और डिस्काउंट ऑफर वगैरह भी लगे हुए रहते हैं। तो आप हिसाब से चेक कर लेना कि किस हिसाब से अभी जो है रेट चल रही है। बाकी जो मैंने रेट जिस रेट में मैंने ख़रीदा है मैं आपको बताती जाऊँगी। ऑल्दो नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आने वाली है वो है गणेश चतुर्थी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है 10 तारीख को गणेश चतुर्थी है। तो मैं आपके लिए लाने वाली हूँ DIY घर में गणेश जी को कैसे बनाएं, इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने वाली हूँ मैं। तो आप भी चेकआउट करना, मैं साथ में खेलूँगी उसके साथ क्विज। तो आप प्लीज़ देखना कि वो क्विज़ क्या है और उसके सारे रूल्स क्या क्या हैं। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन गणेश चतुर्थी वाले ब्लॉग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा ताकि सारे अपडेट आपको मिलती रहे। हम लोग FB पे भी हैं और Instagram पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स बनाते रहते हैं, तो हमें डेली अपडेट के लिए आप हमको वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, चालू करते हैं हमारा फर्स्ट ट्राई हॉल। तो जो हमारी जो फर्स्ट ड्रेस है वो है रिधान को। अगर आपने राखी वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देखना रक्षाबंधन वाला। तब रिधान ने पहना था ये येलो कलर का कुर्ता, ये बांधनी में है और इसके साथ है ये अटैच आया था पजामा, भी काफ़ी अच्छा था। इसका जो प्रिंट है वो काफ़ी सही है, ये बांधनी प्रिंट में है और जो उसका कलर है जो दिखाया जाता है फर्स्ट क्राई में, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जो फर्स्ट क्राई पे और जो हॉपस्कॉच पे जो कलर दिखाए जाते हैं सेम एज इट इज़ वैसे ही आते हैं। इसमें दो कलर थे, येलो था एक डार्क मेहरून था, तो मैंने येलो सेलेक्ट करा था। तो ये येलो बहुत अच्छा है, ये कॉटन फैब्रिक में है और ये ज्यू ब्रांड का है, तो ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है। इसके साथ में फोटो अटैच कर दूंगी तो आप देखना कि रिधान इसमें कितना सही लग रहा था। और जो ये कुर्ते पजामे होते हैं ये फेस्टिव लुक के लिए बेस्ट होते हैं, तो अगर आप भी अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसा देख रहे हैं तो जाके देख सकते हैं। और मैंने इसको परचेज किया था 670 रुपीज़ में। अब शायद इसकी रेट ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप इसका लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। और ये बहुत अच्छा है, ये बहुत हल्का है। रिधान को कभी मतलब मुझे लगा कि शायद इसका कॉलर से रिधान को प्रॉब्लम होगी या फिर फुल भाव का इसको गर्मी लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कॉटन का था रिधान, इसमें बहुत ज़्यादा कम्फर्ट था। तो आई लाइक इट, ये बहुत अच्छा था। और जो इसके पजामा का फैब्रिक है वो भी प्योर कॉटन है और ये बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए कॉटन सही रहते हैं कपड़े, तो ये भी बहुत अच्छा है। और ये सेट मुझे काफ़ी पसंद आया, तो इसको आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट जो ड्रेस है वो है नाइट सूट रिधान का, ये मैंने बहुत पहले मंगवा लिया, सच के बताऊँ तो रिधान ने उसको बहुत पहन लिया है अभी तक। आई थिंक इसको एक से दो महीना हो चुका है। तो ये मैंने सेट मंगवाया था रिधान के लिए, मैं ऐसे करके दिखाती हूँ आपको, शायद दिखे ये इस तरीके का है और ये भी प्योर कॉटन है, बेबी हग ब्रांड का है, बेबी हग के सारे कपड़े अच्छे आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसका प्रिंट बहुत अच्छा है और मैंने इसको कम से कम नहीं तो अभी तक 10-15 बार धो चुकी हूँ, लेकिन इसका कलर एज इट इज़ ऐसा है, आप देख सकते हैं कि ये गुजल रहा है। ये अभी मैं सुखा के इसको तय करने के लिए लेकर आई थी, ये देखो ये बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा कि ऐसा है। तो आई लव्ड इट, और ये रात में बच्चों के सह रहते हैं नाइट ड्रेस वगैरह, तो आप जाके इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ये मैंने परचेज किया था 400 रुपीज़ में, 18 to 24 मंथ वाला था ना, अभी 2 ईयर्स का हो चुका है, नवंबर में वो 2.5 साल का हो जाएगा, लेकिन अभी भी मैं 18 से 24 मंथ वाले ही मंगवा रही हूँ। तो आप अपने बच्चे की हाइट और वेस्ट वगैरह सब नाप के ही बच्चे की जो शॉपिंग है वो करा करें। तो ये मैंने 18 से 24 वाले मंगवाया था और ये मुझे पड़ा था 400 रुपीज़ का, तो आप इसको भी चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा बेबी हग का ही बाथरोब, ये बाथरोब भी मैंने नाइट ड्रेस के साथ ही मंगवाया था, उसको भी काफ़ी टाइम हो गया है। और ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रिंस, आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ है इस पर प्रिंस, और ये मुझे पड़ा था 600 रुपीज़ का। और ये भी बेबी हग का ही है, ये भी 18 से 24 मंथ का मैंने मंगवाया था और ये रिधान के बिल्कुल फिट आता है और ये टॉवी मटेरियल में ही है, तो जब रिधान इसको पहन के निकलता है बाहर तो विद इन 2 या 3 मिनट्स में उसकी पूरी बॉडी को सॉफ कर लेता है, सारा पानी सॉफ कर लेता है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसके हेयर को मुझे ड्राई करना पड़ता है, बाकी सब बहुत अच्छे से सॉफ लेता है। तो ये बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना, नहीं तो इस बेबी हग के और भी ब्रांड के बाथरोब है आप उनको ज़रूर ट्राई करना अगर आप अपने बच्चे के लिए बाथरोब सोच रहे हैं तो, ये बड़ा सही है। और मैं फोटो अटैच कर दूँगी, मैं दिखा दूँगी रिधान ने अभी तक जितनी ड्रेसेस पहनी है उस तरफ की जो फोटो थी मैं आप यहाँ पर शेयर कर दूँगी, तो अभी देखना ये कितना सही है। और इसमें एक साथ में आती है बेल्ट, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है कैरी करने में, तो आई लव्ड इट। और इसमें 2 पॉकेट्स भी दे रखी हैं, तो ये बहुत अच्छा मटेरियल है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। ओके नेक्स्ट है मेरे पास ग्रीन ट्राउज़र, ये मैंने खरीद परचेज किया था 470 रुपीज़ में
और ये टेल्स एंड स्टोरी ब्रांड का है, तो ये काफ़ी सही है। और मैं आपको इसमें सबसे अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो सभी सारे कपड़ों में नहीं होती है। तो ये देखो, पहले तो मैं इसके कपड़े की बात कर लूँ, तो ये कपड़ा का जो फैब्रिक है वो कॉटन मिक्स है, और ये ऑलिव ग्रीन कलर में है, तो ये बहुत ही सही है। और ये थोड़ा जीन्स लुक में भी है, ये जो ट्राउज़र है, तो ये बहुत सही है। टेल्स एंड स्टोरी, यहाँ पे आपको ब्रांड का स्पीकर ही मिल जाएगा, तो ये आपसे सही है। अब मैं बताती हूँ आपको जो सबसे अच्छी बात मुझे इस चीज़ की लगी, जो सभी पैंट्स या जीन्स वगैरह में नहीं होती लेकिन वो होनी चाहिए, और ये टेल्स एंड स्टोरीज आपको दे रहा है। ये देखो, जो रिदान को जब मैंने इसको पहनाया था, तो उसका करीबन 1 से 1.5 इंच उसके ढीला आ रहा था, तो मुझे लगा उस टाइम मुझे बेल्ट लगानी पड़े या फिर उसको अटैच करवाना पड़े। तो उसमें दे रखे हैं अंदर इस साइड से ही, देखो दोनों साइड से आपको दे रखे हैं इलास्टिक्स, यहाँ भी आपको दिख जाएंगी इलास्टिक, और उसमें दे रखे हैं ये बटन्स। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको बस ये बटन खोलना होता है और ये इलास्टिक को आपको खींचना होता है। मैं आपको पास दिखा दूँ, ये इलास्टिक को आपको खींचना होता है, आपको इस तरीके की काज पूरी इलास्टिक में मिल जाएगी। ये देखिए, ये पूरी इलास्टिक में, तो आपको आपका बच्चे का जितना फिट आ रहा है आप उसका उतना लेके आप इस बटन में फिट कर लीजिए, और उसी उतना ही साइड से आप उस साइड से भी आप फिट कर लीजिए। तो ये बच्चे के लिए बहुत ही इजी रहता है कैरी करने के लिए, आपको बेल्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा स्टिच करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वरना एक्स्ट्रा स्टिच वो जो टेलर है वो पीछे से करते हैं या साइड से करते हैं, तो बच्चे के बाबा चुपता रहता है। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे इसकी पैंट की लगी, टेल्स एंड स्टोरी, आई एम थैंकफुल टू यू। तो ये आई थिंक सभी कपड़ों में होनी चाहिए, तो हम मदर्स की तो आधी टेंशन तो यहीं ख़त्म हो जाती है, कि एक्स्ट्रा बेल्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्स्ट्रा स्टिच करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आई लव इट, आप इसको जरूर ट्राई कर लेना। मैंने आपको बता दिया इसका प्राइस क्या है, 470 रुपीज़ मैंने इसको लिया था, 470 रुपीज़ में। सच्ची में यार, कोई कुछ भी बुरा नहीं, 470 रुपीज़ में आप क्या लोगे यार। तो नेक्स्ट वन मैं दिखाने वाली हूँ आपको शूज़। रिधान शूज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और रिधान के डैडी सेम दोनों की एक ही चॉइस रहती है शूज़ के मामले में। तो आपको दिखाने वाली हूँ मैं ये ऑरेंज एंड वाइट कलर के ब्लैक एंड वाइट चेक प्रिंट के लेसअप शूज़, और ये हैं क्यूट वॉक के। रिधान के आधे से ज़्यादा जो शूज़ हैं वो क्यूट वॉक के हैं। तो ये मुझे पड़ते 700 रुपीज़ में, और इनका लुक देखो यार, मतलब वॉट अ प्रिटी कलर। तो ये आपको हाई शूज़ में मिल जाएंगे, ये हाई शूज़ बोलते हैं इनको, और यहाँ पे आपको मिल जाती है जिप के नीचे में आपको मिल जाता है एक और कवर, जिससे कि बच्चे को जिप है वो चुभे ना। आप इस तरीके देख सकते हैं, ये जिप के पीछे भी कवर दे रखा है, जिससे बच्चे को ये जिप चुभे नहीं। साथ में रखे हैं लेसअप शूज़ हैं, बच्चे के पूरे पैर तक ऊपर तक आ जाते हैं, अगर एकदम ये फिट हो जाता है ऊपर आके। पीछे दे रखी है एक ऑरेंज कलर की स्ट्रिप, और इसका लुक रिधान ने अभी तक इसको पहना नहीं है, ट्राई नहीं किया, लेकिन आप अगर आप मेरे डेली ब्लॉगर हैं, मतलब डेली अगर आप मेरे ब्लॉग को रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको ये नेक्स्ट या सेकंड नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पहना हुआ दिख जाएगा। ये देखो आप कितने प्रिटी लग रहे हैं, ये कितने प्रिटी शूज़ हैं, बॉयज़ के ऊपर तो ये बहुत ही अच्छे जाएंगे। आप जरूर, अगर आप ऐसे शूज़ देख रहे हैं तो आप जरूर चेकआउट करना, लिंक्स आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जाके प्लीज़ चेकआउट करना है। ओके, जो नेक्स्ट परचेजिंग मैंने करी है वो है डेनिम समर कैप, ये ज़ियोरी ब्रांड का है, और ये पड़ा मुझे 400 रुपीज़ में। मुझे पता नहीं, अलग से ही क्रेज़ है कैप्स का, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये वाली इस बार परचेज़ करी है। ऊपर लिखा हुआ है आई लव ममा, आई लव पापा, नीचे लिखा हुआ है आई लव पापा, और रिधान इसमें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने अभी तक इसको एक बार ही पहना है। तो नेक्स्ट में जब भी पहनाऊँगी उसको, तो आप ब्लॉग देखते हो तो आप देखना, चेकआउट करना ये कैसा लगता है उसके ऊपर। और ये डेनिम में है, और ये बहुत ही अच्छा है, और इसका कलर नेवी ब्लू में है। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस, कि वो इसमें कैसा लुक आएगा उसका पूरा। तो आप इसको भी चेकआउट कर लेना, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसकी रेट मैंने बताई दी आपको, ये पड़ा मुझे 400 रुपीज़ में। नेक्स्ट है फुल लेंथ जीन्स, और ये है ग्रे कलर में, डेनिम की है, और ये ब्रांड है बेबी हक्का। ये मुझे पड़ी है 450 रुपीज़ में। जीन्सेज यार देखने में इतनी एक्सपेंसिव लगती हैं, लेकिन उनकी रेट 400, 470, 450 इतने में ही है, और मुझे इसका लुक काफ़ी पसंद आया। तो आप ये देखिए, ये इस तरीके में है, ग्रे कलर में है, और इस जीन्स का लुक भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पीछे यहाँ लिखा हुआ है डूड करके कुछ स्टिकर है, पैंडा बना हुआ है इसके ऊपर, और पीछे आपको मिल जाती है 2 पॉकेट्स, और ये भी बहुत कम्फर्ट है रिधान के ऊपर। ये भी 18 से 24 मंथ में ही मैंने मंगवाई है, और ये नीचे से स्ट्रेचबल है इस टाइप से, तो बच्चा इसको अच्छे से कैरी कर सकता है। जीन्स लुक में है, डेनिम है, तो आपको और क्या चाहिए यार 470 रुपीज़ में। आई थिंक हाँ, फोर
फॉर 50 रुपीज में क्या चाहिए आपको यार, इससे अच्छा तो आई डोंट थिंक कि आपको मिल जाएगा मार्केट में। अच्छा आगे पॉकेट्स नहीं है, आगे जो ओनली पॉकेट्स का लुक है ये सिलीव हुई है ओनली, और पीछे जो है और टू पॉकेट्स दे रखे हैं, तो इस तरीके का है, बेबी हक ब्रांड का है। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ हनी है ब्रांड की टी शर्ट, और ये क्लेम करते हैं 100% कॉटन का, तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये भी रिधान के ऊपर बहुत सही लग रही थी। ये जो सारी मैंने 3-4 चीज़ों के बाद जो सारी चीज़ें दिखाई जिनकी मैं फ़ोटो अटैच नहीं कर रही हूँ, ये अभी न्यू ब्रांड है, इनके मैंने टैक्स वगैरह भी अभी तक नहीं निकाले हैं। मैंने अभी तक रिधान को एक एक बार ही पहना के देखा है ओनली फॉर साइज, ताकि अगर साइज में बड़ा हो तो मैं उसको रिटर्न कर पाऊँ। लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, ये भी 18-24 मंथ में ही मैंने मंगवाया और ये मुझे पड़ा 420 का, तो ये बहुत अच्छा है। कलर एज इट इज़ आपको मिल जाता है जो फर्स्ट पे दिखता है, तो आई एम लव्ड इट, और ये कलर भी बहुत प्यारा है, और ये बेबी हक का है, तो सॉरी बेबी हक का क्या, ये हनी हैप का है, और ये 100% कॉटन है, तो ये बहुत ही अच्छा है, और ये धुलने के बाद भी एज इट इज़ ऐसे ही रहते हैं, कलर्स वगैरह इनके निकलते नहीं है, तो आप इनको ट्राई करना। ये कॉलर में है, तो रिधान को मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम ही कॉलर की टी शर्ट वगैरह पहनाऊंगी, तो आप उसका लुक जरूर देखना, चेकआउट करना नेक्स्ट ब्लॉग या सेकेंड ब्लॉग में। नेक्स्ट मैंने मंगवाई है चेक शर्ट, ये मुझे पड़ी है 420 की, और सॉरी जो हाफ स्लीव टी शर्ट थी वो मैंने 420 की बोली, लेकिन जो 100% हैवी है हनी हैप वाली वो थी 300 की, और ये वाली जो है ये है 420 की, मिस्टेक हो गई मुझसे बोलने में। ये पड़ी है मुझे बेबी हक की, ये भी प्योर कॉटन है, और ये चेक मुझे चेक से भी बहुत ज़्यादा लगाव है, तो ये चेक मुझे बहुत पसंद आया, ये भी बेबी हक का ही है, आपको टैग मिल जाता है, इसमें दे रखी 2 पॉकेट्स इस साइड भी, हाँ तो पॉकेट्स हैं, मैं डर गई क्योंकि पॉकेट्स नहीं है, इसमें पॉकेट्स मिल जाती है आपको, 2 पॉकेट आगे की तरफ मिल जाती है, और इसका लुक भी कुछ कुछ ऐसा है। और रिधान को मैंने अभी तक एक ही बार चेक की शर्ट बनाई थी, और उसके बाद मुझे वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मेरे दिमाग में था, माइंड में था कहीं ना कहीं कि मैं चेक में 1-2 बार और लूँगी उसके लिए, तो ये बहुत अच्छा है। और बच्चों के ऊपर ये वाले जो कलर्स होते हैं, ब्लू हुआ, पिंक, डार्क ग्रीन, ऑरेंज, येलो, सभी कलर आई थिंक सभी सूट करते हैं बच्चे के ऊपर, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कलर है, ये नेवी ब्लू और पिंक की स्ट्रिप्स में चेक्स में मिल जाएगा आपको, तो ये भी बहुत अच्छा है, बेबी हक्का है, आप जाके जरूर चेकआउट करें। ओके नेक्स्ट एंड लास्ट वन है एक और टी शर्ट, आपको जो इनमें कपड़ों में से जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगी है, जैसा कि आप लोग हमेशा करते हैं, आप अपनी चॉइस बताते हैं कि हमको ये अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ जिस बार भी कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम पे भी आप हमको चेकआउट करना, मैं वहाँ पे भी चीज़ वगैरह खेलती रहती हूँ और आप लोगों को उससे अटैच रहती हूँ, आपको डेली अपडेट देती रहती हूँ, तो आप प्लीज़ हमको वहाँ भी फॉलो करें। लोगों में से कई लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि प्लीज़ आप हमको इनबॉक्स में मैसेज करें, तो बहुत सॉरी यार मैं पर्सनली मैसेज नहीं कर पाती हूँ किसी को भी, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो मैं वहाँ जरूर आपको चेकआउट करूँगी। ये मुझे पड़ी है 440 रुपीज़ की, ये है टॉफी हाउस की टी ब्लू हाफ स्लीव टी शर्ट, और ये भी कुछ कुछ उसी तरीके की लुक में है, लेकिन दोनों के ब्रांड अलग हैं, दोनों का मटेरियल अलग है, वो 100% कॉटन का दावा करता है, ये इसका जो फैब्रिक है वो नीट का है, उसका जो फैब्रिक था वो कॉटन का था, तो ये भी बहुत अच्छा है, और टॉफी हाउस का है, टॉफी हाउस का मैं आई थिंक 2-3 बार मैं उसको ड्रेस बना रही हूँ, और इसके कपड़े भी बहुत अच्छे आते हैं, और इसका कलर आप देख सकते हैं, इसका लुक आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे कलर में है, स्काई ब्लू प्लस नेवी ब्लू कलर में मिक्स में आपको ये मिल जाता है, और पीछे से भी कुछ कुछ ऐसा ही है। कॉलर वाले में रिधान को अब फर्स्ट टाइम पहनाने वाली हूँ, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये कैसा लगेगा उसके ऊपर। यहाँ आपको प्रिंट में मिल जाता है एक हॉर्स दौड़ता हुआ, और यहाँ पर टॉफी हाउस का टैग है, तो ये भी बहुत अच्छा है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप इसमें चेकआउट कर लेना, और इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और कई लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आपने तो 3 रुपीज़ में बताया, लेकिन 3 रुपीज़ में था नहीं, ये वहाँ जाके सस्ता था या महंगा था जो भी है, तो मैं आपको दोबारा बोल दूँ, इनसे आपको ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं, सेल्स वगैरह चलती रहती है, तो ये आपको ऊपर नीचे थोड़ा मिल सकता है, हो सकता है कई लिंक्स मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वो जो परचेज हो जाते हैं उसके बाद फिर वो मिलते नहीं है, कभी कभी 1 या 2 पीस बचते हैं, तो फर्स्ट क्राई वाले उनकी रेट हाई कर देते हैं, तो इस वजह से भी थोड़े थोड़े ये महंगे हो जाते हैं, तो आप जाके एक बार जरूर चेकआउट करना, इनमें से आपको जो भी कुछ पसंद आया हमको कमेंट करना कि क्या आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।